आज दुनिया में जितनी डिस्कवरीज हो रही हैं अब तक और आने वाली जो होने वाली हैं कयामत तक के लिए, उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है? हम मुसलमान कुरान मजीद में जो चीज़ भी है उसको हम हक मानते हैं। हमारे लिए कुरान मजीद को साइंस से साबित करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यूरोप के लोगों ने हमारे असलाफ के कारनामों पर पर्दा डाल दिया है, जिसकी वजह से हमारे आज के जो नौजवान बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कॉलेजेस में जाते हैं, वो लोग समझते हैं कि हमारे असलाफ ने साइंस के ताल्लुक से कुछ भी नहीं किया। जितनी भी साइंस में आज डिस्कवरियां हुई हैं या हो रही हैं, इसमें मुसलमानों का कोई भी हाथ नहीं है। दरअसल मुसलमान साइंटिस्टों की कारनामों को, उनके इजादात को, उनके तहकीकात को सबको अपना बना करके मेड इन यूरोप का ठप्पा और लेबल मार दिया गया, और आज पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि जितने इजादात हैं ये सब के सब यूरोप के लोगों ने किए। इस्लाम, साइंस और मुस्लिम साइंटिस्ट, हमारी तारीख में आखिर क्या मकाम है साइंस का? जानिए इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ खान के साथ सिर्फ आई प्लस टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए।